अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। लेक्चर नंबर है 22 और चैप्टर नंबर है 14, जबकि थ्योरम नंबर है आपके पास 14.1.2, यानी सेकंड थ्योरम। इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो कल थ्योरम किया था ये उसी का सॉरी कन्वर्स है। लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइन डी ई है जो कि ए ई और ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा डी ई इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट्स। पहले ए बी का जिक्र किया है तो ए बी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट्स ई एंड डी रिस्पेक्टिवली, यानी बारी बारी या बेतरतीब दोनों लाइन सेगमेंट्स को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। जी अब प्रूव आपने क्या करना है और सच दैट किस तरह कर रही है ये इसने साथ बता दिया आपको। ये इंटरसेक्ट कर रही है इन द सेम रेशो, यानी मेजरमेंट ए ई रेशो मेजरमेंट ई बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डी रेशो मेजरमेंट डी सी, यानी इनको प्रोपोर्शनैलिटी है इनके दरमियान या प्रोपोर्शन का इक्वालिटी का प्रोपोर्शनैलिटी है इनमें, यानी ये रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो। प्रूव आपने क्या करना है, प्रूव ये करना है कि लाइन डी ई अगर उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है दोनों लाइंस को तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल है बी सी के। तो ई डी या डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि सिर्फ हम सपोज करेंगे कि डी ई और बी सी पैरेलल नहीं है तो अब हम सी एफ एक ऐसी लाइन लेंगे जो कि पैरेलल होगी। सपोज करेंगे कि ये एक लाइन है जो कि पैरेलल होगी लाइन डी ई के और ये ए सी को पॉइंट ए बी को अगर प्रोड्यूस करें तो उसको ये पॉइंट एफ पे जा मिलेगी। कंस्ट्रक्शन की इसको लिखेंगे सपोज डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी देन टेक लाइन सी एफ पैरेलल टू डी ई, यानी हमने खुद एक लाइन सी एफ ली जो कि डी ई के पैरेलल है कॉमा मीटिंग ए बी प्रोड्यूस्ड मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड ए बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट एफ, यानी ए बी को पॉइंट एफ तक हमने प्रोड्यूस किया और सी एफ हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि डी ई के पैरेलल है। ये हमारी सपोजिशन है, हम फर्ज कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में देखें तो फुल ट्राइंगल है ए सी एफ। इन ट्राइंगल ए सी एफ फुल ट्राइंगल में देखें तो डी ई इज पैरेलल टू सी एफ, डी ई इज पैरेलल टू सी एफ। ये हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन है। अगर ये पैरेलल है तो असूलन
क्या होना चाहिए? देयरफोर ए ई रेशो ई एफ, ए ई रेशो ई एफ इज इक्वल टू होना चाहिए ए डी रेशो डी सी के, क्योंकि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। ये हम पहले से ही जानते हैं, पिछले चरण में कर चुके हैं। और वी कैन राइट इट लाइक दिस, मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डी ओवर मेजरमेंट डी सी, रिजल्ट नंबर वन। बट वी नो मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट ई बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डी ओवर मेजरमेंट डी सी। ये बात गिवन में मौजूद है कि मेजरमेंट ए ई रेशो मेजरमेंट ई बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डी रेशो मेजरमेंट डी सी। अब यहाँ पर अगर ये दोनों रेशोज इक्वल हैं और ये भी इक्वल हैं, प्रोपोर्शन के इक्वल हैं, तो इट मीन्स वन और टू से रिजल्ट क्या निकला कि ए डी ओवर डी सी, ये भी ए डी ओवर डी सी है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट ई एफ, ये मैंने रिजल्ट नंबर वन से लिया, इज इक्वल टू मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट ई बी, ये नंबर टू से लिया। फ्रॉम वन एंड टू, अब अगर हम ये ऐसे कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट ई एफ जो है ये इक्वल है मेजरमेंट ई बी के, लेकिन रियल नंबर की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये उसी वक्त पॉसिबल है कि अगर बी और एफ किसी एक ही पॉइंट पर वाक़या हो। इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ एफ पॉइंट एफ if point F coincident या coincides with B of real numbers। property of real numbers, real numbers की property के मुताबिक ऐसे होना चाहिए। Therefore, our supposition is wrong. यानी हमने जो फर्ज किया था कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, ये गलत है। Therefore, DE is parallel to BC. थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।